नमस्कार दोस्तों, तो आज इस वीडियो में आज की जितने भी खबरें हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन पर बात करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल है उसके साथ भी जुड़ जाइए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की पहली अपडेट है वो देख सकते हैं, अगताले कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर से है। खबर यह है कि स्नातक पाठ द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के लिए ऑनलाइन फ़ी जमा कराने की अंतिम तिथि है वो 21 अगस्त 2023 कर दी गई है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज से कॉलेज कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट है सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की फ़ीस, और पीजी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं वो अपनी फ़ीस ई मित्र के माध्यम से अब 21 आठ 2023 तक जमा करवा सकते हैं। तो 21 अगस्त तक है अपनी फ़ीस है वो जमा करवा दें, और स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें। अगली खबर पीटीटी से संबंधित है, जितने भी स्टूडेंट हैं बीएड कर रहे हैं, जिनकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो चल रही है, 2 ईयर बीएड और 4 ईयर बीएड, उनके लिए सूचना वो दी गई है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो बीएड कर रहे हैं उनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल गई हैं, तो वो स्टूडेंट है अपनी 22,000 रुपये फ़ीस है 14 अगस्त तक है जमा करवा सकता है, और कॉलेज में रिपोर्टिंग काउंसलिंग है वो 17 अगस्त तक करवा सकता है, और अपवर्ड मूवमेंट है वो 18 तक करवा सकता है, और अपवर्ड मूवमेंट की कॉलेज है आपको 21 को हो जाएगी, उसके बाद आप अपने कॉलेज में जो रिपोर्टिंग है वो 25 अगस्त तक करवा सकते हैं। तो जो 22,000 रुपये फ़ीस है वो 14 अगस्त तक आप जमा करवा सकते हैं, और उसके बाद है अपनी कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। तो ये 2 ईयर और 4 ईयर है बी ए बी एड एंड बी एस सी बी एड, उनकी सेम डेट है आप देख सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस बार बी एड कर रहे हैं, पी टी टी की एग्ज़ाम दी थी, जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल गई है, तो वो स्टूडेंट है अपनी फ़ीस जमा करा कर रिपोर्टिंग करवा ले कॉलेज में, और सेकेंड लिस्ट है वो भी ये प्रक्रिया कम्प्लीट होने के बाद आप बोल सकते हैं कि 25 तारीख बाद, क्योंकि 25 इसमें लास्ट दी गई है, तो आप मान सकते हैं कि 30 तारीख तक है सेकेंड लिस्ट है वो आ सकती है। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर है, सेकावाट यूनिवर्सिटी ने एमए के रिजल्ट जारी कर दिए हैं, एमए और एमए एमएससी के रिजल्ट जारी कर दिए हैं वो आप देख सकते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल पर है कल आपको बता दिया था, और लिंक भी प्रोवाइड करवा दी थी। तो एमए के फाइनल और प्रीवियस ईयर के हिंदी, हिस्ट्री, और आप देख सकते हैं कि संस्कृत का रिजल्ट है वो आ चुका है, और एमए एमएससी के अंदर है ज्योग्राफी का रिजल्ट आ चुका है फाइनल और प्रीवियस ईयर का। और जिन स्टूडेंटों का रिजल्ट अभी भी नहीं आया है एमए एमएससी एमकॉम का, तो वो स्टूडेंट है थोड़ा इंतज़ार कर लें, आपका रिजल्ट है जल्द जारी हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी धीरे धीरे सभी के रिजल्ट जारी कर रही है, तो आपका रिजल्ट भी 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा। तो स्टूडेंट वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।